और एक जो कॉन्सेप्ट है कि यार हैदराबादी दाल चावल या दाल चावल या हैदराबादी वगैरह खट्टे होते हैं, उनमें खटास ज़रूर होती है, मगर ऐसे खट्टे नहीं होते कि आप नहीं, हल्के से खट्टापन ज़रूर होता है मगर बड़ा बैलेंस होता है। मुझे दाल ने बड़ा इम्प्रेस किया है, एक नया जायका मिला है, मतलब है स्पाइसी मज़ेदार। अच्छा भाई, तो वो फिल्म में एक जुमला था ना कि ज़िंदगी का मज़ा तो खट्टे में है, तो हैदराबाद कॉलोनी है और हैदराबादी खाने ना खाए, और हैदराबादी खानों के अंदर हैदराबादी खट्टी दाल ना खाई जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं। तो आज हम फिर एक बार पहुँचे हैं हैदराबाद कॉलोनी, ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी रोड से जैसे ही आप नुमाइश की तरफ जा रहे होते हैं मदार कायद की तरफ, तो सीधे हाथ में आपके सेंट्रल जेल आता है और उसी के पास उसी के सामने है हैदराबाद कॉलोनी और वहाँ की मशहूर अचार गली। और जैसे ही उस गली को आप थोड़ा सा क्रॉस करते हैं चौक आता है, वहाँ पर आपको मिल रहे हैं बड़े मज़े के खट्टे दाल चावल, हैदराबादी दाल चावल। तो आज हम उसको खाने के लिए, उसका रिव्यू करने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि हमने कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दाल चावल ही बना लिए और लोगों के बड़ी रिकमेंड आ रही थी कि आपने फला मेमन दाल चावल बना लिए, गुजराती दाल चावल बना के खिला दिए, दीगर चीज़ें दिखा दी दाल चावल के अंदर, तो ज़रा हैदराबादी दाल चावल भी दिखाएँ। तो हम खाएँगे भी, कंपेरिजन भी करेंगे कि जो आम कराची में दालें मिल रही होती हैं उनका जायका इसके मुकाबले में कैसा है, और आपको यहाँ पर आना चाहिए या नहीं, क्योंकि हम थोड़ा लेट पहुँचे, रश नहीं है, तो हम बस समझ लें कि फटाफट आपको रिव्यू मिल जाएगा आज। ये बिल्कुल एंड चल रहा है, ये दो प्लेट है। अच्छा, खट्टे दाल चावल, दाल में क्या फ़र्क होता है वैसे? खट्टी दाल में ये होता है इमली का फ़र्क होता है। अच्छा, उसको बघारते हैं, आम दाल जो दाल चावल होती है ना उसको बघारा नहीं जाता, वो मतलब है कि मूंग की दाल की बनती है, ये चंद मसूर की दाल की होती है। अच्छा, ये फ़र्क है? हाँ, वो मूंग मसूर की होती है, मसूर की होती है, वो मूंग की होती है, पीली वाली दाल होती है ना वो, ये सिर्फ लाल वाली दाल जो होती है मसूर की वो होती है। पकाने का स्टाइल भी मुख्तलिफ होता है, उसका पकाने का स्टाइल में इसमें टमाटर वगैरह होता है, उसमें भी टमाटर डालना, पकाने का एक ही तरीका होता है, मतलब ये बघारने में, ये बघारते वो बघारते नहीं है। भाई ने बिल्कुल प्लेट साफ़ कर दी है, आखिरी निवाला मज़ेदार। तो सर ये बताइएगा, हैदराबादी नहीं लेकिन आप मज़ा आता खाने में, दाल कैसी लगी जो हम घरों में आप दाल खाते हैं? असल में खाने सब इलाका वाइज होते हैं भाई। सही, अब मैं यहाँ बोल के बोलूँ कि यार नमकीन रोस्ट लाओ, लेकिन वो नहीं चलेगा। सही, ये इलाका और इनकी कम्युनिटी तो अपने लिहाज से अपना कल्चर, इनका अपना खाना है। अब हमें हैदराबादी खाना खाना है तो हम यहाँ आ जाएंगे, और हमें अगर जो कढ़ाई गोश्त या नमकीन रोस्ट खाना है तो हम शराब जोट जाएंगे। तकरीबन 4 बजे पहुँचे और दोपहर यानी 1-2 बजे रश होता है। दाल है इनकी 100 रुपये की, तो रेट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, एक आम से ही रेट है जो पूरे शहर में मिलते हैं दाल चावल जिस रेट पर। तो अंदर चलते हैं, खाते हैं और आपको अपना रिव्यू देते हैं। कहाँ गई ये रही, ये देखें ये दाल चावल। मैं ख़ास बात इसकी है कि हैदराबादी खट्टी दाल, और खट्टा तो आपको पता है हैदराबादी जो है वो उसकी तो क्या ही कहना है। तो ये दाल चावल हमारा तैयार हो गया, अब हम जो है वो, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम आज पहुँचे हैं खट्टी दाल खाने के लिए हैदराबाद कॉलोनी, ये जेल सेंट्रल जेल के बिल्कुल बराबर में हैदराबाद कॉलोनी, और वहाँ की अचार गली, अचार गली के बिल्कुल कोने पर आएंगे आपको ये यहाँ पर खट्टी दाल चावल मिलेंगे, तो बड़े ही मज़ेदार होते हैं, और हमारे हैदराबादी जो कौम है वो बहुत शौक़ से खाती है। तो मैंने बहुत अरसे पहले खाए थे, ज़रा ट्राई करते हैं, वो भी किसी के घर पर खाए थे, कमर्शियली नहीं खाए, एक दोस्त था जो हैदराबादी था, उन्होंने इनके घर वालदा ने बनाए थे, बड़े मज़े के थे वैसे। पहले दाल चखते हैं, हमने दाल अलग से ली है, तो ये 100 रुपये की प्लेट है वैसे। ये अच्छा, ये जो दाल है इसमें वाकई आपको ना वो बघारे बैगन का जायका आ रहा है, हल्का सा आपको महसूस होता है कि बघारे बैगन भी है इसके साथ, और जो कलौंजी वगैरह ज़ीरा यानी जो उसको तरीके से उन्होंने फ्राई किया है ना, तड़का लगाया, तो वो महसूस होता है, बड़ा मज़ेदार, रिचनेस बड़ी अच्छी है और थिकनेस ज़्यादा नहीं है, यानी जिस तरीके से ना वो कमर्शली बनती है तो बहुत ज़्यादा वो गाढ़ी कर देते हैं, नहीं ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ये घरों में बनती है, इनके उसी स्टाइल की बनी है। दाल अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, मज़ेदार है और नया जायका है। अमूमन आप इस दाल को उस दाल से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जायका बहुत मुख्तलिफ है, पकाने का थोड़ा सा अंदाज़ भी मुख्तलिफ है, और ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो इसके अंदर आपको कड़ी पत्ता इसी तरीके से, ये देखिए हरी मिर्चें वगैरह फ्राई की हुई है इन्होंने, हमारे यहाँ तो डायरेक्ट डाल देते हैं ना, पकती रहती नहीं, ये पहले फ्राई करते हैं उसके बाद डालते हैं। दीगर चीज़ें भी आपको नज़र आ रही हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दाल चावल के साथ ग्रीन कॉम्बिनेशन है यार, मज़ा आ रहा है, एक नया जाएगा, क्योंकि आप रिवायती दाल चावल खा खा के थोड़ा सा हो जाता है कि यार खाते ही रहते हैं, कुछ नया मुनफरद, कुछ नया मुनफरद हो, नया जायका हो, तो उसके लिहाज से तो बेहतरीन है भाई, मज़ेदार है, यानी एक दो बार ट्राई किया जा सकता है। और एक जो कॉन्सेप्ट है कि यार हैदराबादी दाल चावल या हैदराबादी वगैरह खट्टे होते हैं, उनमें खटास ज़रूर होती है, मगर ऐसे खट्टे नहीं होते कि आप बोले नहीं,
हल्के से खट्टापन जरूर होता है मगर बड़ा बैलेंस होता है। तो इसके मसाले बड़े अच्छे बैलेंस्ड हैं, स्पाइसीज अच्छे, थोड़े से तीखी है, मतलब ये उन जो हमारी दालें होती हैं थोड़ी सी कम मिर्ची वाली होती है, हल्का सा स्पाइसी है लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। मज़ा होता है आपको गर्म मसाले जाए तो आपको महसूस होता है यहाँ पर आकर हल्के से, ये थोड़ा सा इनका स्टाइल है पकाने का। मुझे दाल ने बड़ा इंप्रेस किया है, एक नया जायका मिला है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि बार बार आऊँगा लेकिन अभी बार आया हूँ, अच्छी लग रही है और थोड़ा सा पी ही रहते हैं सर, मतलब है स्पाइसी मज़ेदार, मुझे थोड़ी स्पाइसी चीज़ ज़्यादा पसंद आती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, अगर खट्टे दाल चावल खाने का दिल चाह रहा हो, हैदराबादी दाल चावल खाने का दिल चाह रहा हो तो यहाँ पर आ जाइएगा, इसकी गूगल लोकेशन हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अल्लाह हाफिज़।